इसमें हमने जीपीएस डिवाइस के हेल्प से एक ऐसा हैंडकप बनाया, यानी एक ऐसा ही हथकड़ी आप जिसे कह सकते हैं कि आप किसी पर्सन को आप चाहते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहे, उसके बाहर ना जाए, तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको बाउंड कर सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो इसी एरिया के अंदर ही रहेगा। उसके लिए हमने यहाँ जीपीएस डिवाइस यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीपीएस डिवाइस करंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिस्प्ले कर रहा है, और जैसे ही इनका डिफरेंस यानी जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे यानी जो रेफरेंस पॉइंट हम सेट कर देंगे, जैसे इसको हमने प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने के बाद ये रेफरेंस पॉइंट 0 इसी पॉइंट को मानेगा। इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट में अगर कोई चेंज आता है तो उसको वो डिस्प्ले करेगा, वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है। एक्चुअली ये हमने ये जो हमारा लोकेशन अभी करंट है, तो यहाँ पे जो जीपीएस की वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारा रैंडमली चेंज होता रहेगा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस, क्योंकि एरर होता है जीपीएस के लोकेशन में, थोड़ा बहुत एरर होता है, इसके लिए ये पोजिशन आपकी चेंज भी हो सकती है। तो इस डिफरेंस को अगर हम ज़्यादा कर दें तो हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया ज्यादा हो जाएगा जिसके अंदर वो पर्सन रह सकता है, इसको हम कम कर दें तो कम हो जाएगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको हमने 100 कर रखा है दोनों को, यानी 100 या 200 जो भी आप रखना चाहते हैं, उस डिफरेंस से अगर ज्यादा चेंज आता है किसी भी वैल्यू में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा है, मोटर को हमने एज ए वाइब्रेटर यहाँ यूज किया, जो वाइब्रेट करेगा नहीं, यहाँ रोटेट करेगा तो वाइब्रेशन डेवलप होगा। और यहाँ पे एक बजर लगा है, यानी बजर भी हमारा टोन बजेगा। इस पूरे सिस्टम को हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकते हैं, छोटा सिस्टम बना सकते हैं, और वो किसी भी पर्सन के बॉडी पे, यानी आप उसके हैंड में इसको माउंट कर सकते हैं या उसके बॉडी किसी पार्ट में माउंट करके उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी एक लोकेशन के अंदर।